जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिरडी के साईं बाबा की। आप लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच्चाई यही। तो नमस्कार, मैं धीरेन्द्र राणा आज आप लोगों के बीच एक विशेष मुद्दे पर हूँ। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन के बारे में और कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन लगा है उसे हम कैसे लेते हैं। अभी भी देखने में आ रहा है कि बहुत सी जगह लोग लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे। अब जबकि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है और ऐसी स्थिति में हमारे पास इतने मेडिकल इक्विपमेंट्स भी नहीं हैं और हमारी मेडिकल सुविधाएं भी इतनी ज़्यादा सक्षम नहीं हैं जो इस महाबीमारी का सामना कर सकें। इसीलिए एकमात्र रास्ता बचता था लॉकडाउन का। लॉकडाउन का मतलब अगर महामारी इस तरह की है कि जो एक दूसरे को छूने से फैलती है, तो जब तक उसे संपर्क मार्ग नहीं मिलेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए सिर्फ यही एक रास्ता था कि लॉकडाउन घोषित किया जाए, एक दूसरे से ना मिला जाए, कम से कम बाहर निकला जाए, अपने घरों में रहा जाए। लेकिन कुछ लोग इस पर भी खरे नहीं उतर रहे। बेवजह बिना काम के लोग घर से बाहर निकलते हैं और ऐसी कंडीशन में उन लोगों को भी दिक्कत हो जाती है जिनका घर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए लॉकडाउन का पालन करना बहुत ज़रूरी है। आप इसे अपनी ज़िम्मेदारी समझिए। और आज मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये सिर्फ आज ही नहीं हुआ है, ये संदेश हमें आज से लगभग 100 साल पहले एक बहुत बड़े संत देकर गए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिरडी के साईं बाबा की। आप लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि सबसे पहले आज से 100 साल पहले शिरडी के साईं बाबा ने भी एक बार लॉकडाउन घोषित किया था। फ़र्क इतना है कि आज एक साथ पूरे देश में देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन घोषित किया है, क्योंकि आज हमारे देश की बागडोर प्रधानमंत्री जी के हाथ में है। उस समय शिरडी की पूरी बागडोर साईं बाबा के हाथ में थी। हालांकि अंग्रेजी हुकूमत थी, लेकिन शिरडी और उसके आसपास के बहुत सारे गांव के लोग, दूर दूर तक के इलाके के लोग साईं बाबा को ही अपना मालिक मानते थे, उन्हीं को अपना मार्गदर्शक मानते थे और सब उन्हीं के अनुयायी थे, उनकी बातों का पालन किया जाता था। एक बार आप साईं बाबा की साईं सच्चरित्र बुक देखिएगा, उसको देखेंगे तो उसमें आपको प्रथम अध्याय में ही एक कथा का वर्णन मिलेगा। लगभग ये उस समय की बात है जब शिरडी में एक महामारी फैली थी। उस पीरियड में एक बहुत भयंकर महामारी शिरडी और उसके आसपास के पूरे प्रांत में फैली थी। हजारों लोग मरने लगे। उस वक्त बाबा की एक कथा है कि बाबा अपनी द्वारका माई में बैठे गेहूं पीस रहे होते हैं और जब कुछ औरतें उनके पास जाती हैं और उनसे वो ये पूछती हैं कि बाबा आप ये गेहूं क्यों पीस रहे हैं, तो बाबा उन्हें कोई निश्चित जवाब नहीं देते हैं। और उस जब सारा आटा वो महिलाओं की सहायता से पीस जाता है, वो महिलाएँ बाबा को हटाकर आटा पीस लेती हैं और बाबा से फिर पूछती हैं कि देवा अब इस आटे का क्या किया जाए। जब साईं बाबा ने उनसे कहा कि ये आटा शिरडी की चारों तरफ की सीमाओं में बखेर दो, और वो आटा उनकी आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और शिरडी के चारों ओर उस आटे की एक लक्ष्मण रेखा बना दी गई। और उसके बाद साईं बाबा ने अपने सभी शिरडी वासियों को एक आदेश दिया। उन्होंने उनसे कहा कि इस समय महामारी का प्रकोप है और ये जो रेखा है, जो व्यक्ति भी इस रेखा के अंदर रहेगा, मैं ये वचन देता हूँ कि उसे महामारी से कोई नुकसान नहीं होगा। और अब इस रेखा के ना तो कोई बाहर जाएगा ना ही कोई अंदर आएगा। और उस समय जो शिरडी में जिन लोगों को बीमारी हो चुकी थी, उनके लिए बाबा ने कहा कि वो सब लोग द्वारका माई में आकर रुकेंगे, क्योंकि बाबा सिर्फ एक संत नहीं थे, बाबा एक वैद्य भी थे। क्योंकि शुरू में बाबा को लोगों ने पागल कहा, फिर लोगों ने बाबा को वैद्य कहा और उसके बाद फिर वो भगवान भी कहलाए। अब बात आती है कि वो क्या संदेश था। वैसे तो सब बाबा की महिमा थी, बाबा का आशीर्वाद, बाबा की उदी,
यही उस महामारी को रोकने के लिए काफ़ी था। लेकिन बाबा चाहते थे कि आने वाले समय में लोग अंधविश्वासों में ना भटके। जो वैज्ञानिक फैक्ट हैं लोग उस पर भी विश्वास करें। बाबा संदेश देना चाहते थे आज की उस पीढ़ी के लिए, उस 100 साल बाद के समय के लिए। जो आटे का बखेरना था चारों तरफ, वो एक लक्ष्मण रेखा बनानी थी। सेम वही लक्ष्मण रेखा आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। जो आज एक आदेश दिया गया है कि आप अपने घरों की सीमा पार ना करें, अपने घरों के अंदर ही रहें। उस समय भी शायद बाबा का संदेश कहीं ना कहीं यही था कि उस आटा बखेरने से शिरडी के लोग शिरडी से बाहर नहीं गए, ना ही कोई शिरडी में प्रवेश किया और ना ही कोई उससे बाहर गया। जब ना कोई आया ना कोई गया, और उस संक्रमण को फैलने के लिए संपर्क नहीं मिला, जो हमारी सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पूरा पालन किया गया था उस दौर में। लोगों ने बाबा की बात को माना, उनकी बात का पालन किया ईमानदारी के साथ, और वहाँ से महामारी चली गई। और जो लोग बाबा की द्वारिका माई में रहे, माई में जो रहे, वो आज की डेट में अगर हम कहें कि उनको क्वारंटाइन किया गया था, उस दौर में भी बाबा ने द्वारिका माई में उन लोगों को रखा गया था जो इस बीमारी से पीड़ित थे, और उनका बाबा ने इलाज किया। तो दोस्तों, आज की घटना और उस समय की घटना में समानता है। महामारी तब भी फैली थी, महामारी आज भी है। उस दौर में बाबा ने आटे की चारों तरफ एक मैट सी बना के एक लक्ष्मण रेखा बनाई थी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों से प्रार्थना की है, विनती करके एक लक्ष्मण रेखा आपके घरों के आगे बनाई है। तो उस दौर में भी यही था, आज भी यही है। इसलिए अपने घरों में रहिए और आस्था का दीपक भी जलाए रहिए। जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, लेकिन कहते हैं कि भगवान भी उसी की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करता है। सब्सक्राइब कीजिए इस बटन को दबाकर हमारा चैनल, और साथ ही ये घंटी वाला बटन भी दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।